PHP माई एडमिन, ये मेरा पर्टिकुलर डेटाबेस सर्वर ओपन हो गया। इस सर्वर के अंदर आप यहाँ देखें, ये टेस्ट के नाम से मैंने एक ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ है, और यहाँ पर मैं जिस पर्टिकुलर टेबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, दैट इज़ इन्फो। तो इन्फो के अंदर आप देखें तो यहाँ तीन फील्ड्स हैं आपके, ID है, नेम है, एफ नेम है, जिसके अंदर ID इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंट टाइप का है, और नेम और एफ नेम आपके वेर कैर टाइप के हैं। तो आप इस टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रेड ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट करेंगे आप रिकॉर्ड, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वो सारे ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करने हैं। तो इस टाइप को मैं एज इट इज़ ओपन रखने देता हूँ। अब आपको करना क्या है, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करता हूँ, REST API। डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर आप क्रिएट कीजिए, REST API। ये आपने ऐड किया, सेलेक्ट फोल्डर कीजिए, तो ये आपका वर्किंग फोल्डर आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है नोड का इनिशियलाइजेशन। देखिए, सबसे पहला जो टास्क होगा हमारा नोड का इनिशियलाइजेशन। नोड का इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करनी होती है, जो एक्चुअल में नोड से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए यूज़ में आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाइए, टर्मिनल को ओपन कीजिए। टर्मिनल को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर सबसे पहले कमांड लिखेंगे npm init। तो ये क्या करेगी कमांड, ये पर्टिकुलर पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करेगी। तो आपसे कुछ इनपुट मांगेगी, ये क्या क्या चीज़ें आपको अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर रखनी है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ एंटर एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ, देन ओके यस किया। तो आप देखें आपके सिस्टम के अंदर पैकेज डॉट जेसन आपकी यहाँ ऐड हो चुकी है। पैकेज डॉट जेसन के ऐड होने के बाद यहाँ जो स्टार्टिंग फाइल है, दैट इज़ index.js। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज़ को यहाँ ऐड करना और बताऊँगा कि आप कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ को ऐड करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ में आने वाली हैं। तो आप जैसे डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं कोर्स के लिए सेट करता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप क्रॉस डोमेन से किसी साइट पर अगर डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको कोर्स को इनेबल करना होता है। तो आप क्या करें, पहले इंस्टॉल कोर्स को करें। ये जितनी भी कमांड्स वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप इन सारी कमांड्स को देख सकते हैं। इसके अलावा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसे हम REST API डेवलप कर सकते हैं, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। फिर आपको इंस्टॉल करना है बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर होता है आपकी जो डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको पार्स करने के लिए, ठीक है ना। आप डेटा जो अपना jQuery वगैरह के थ्रू या किसी भी तरीके से पोस्टमैन वगैरह के थ्रू भी अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो बॉडी के डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमें बॉडी पार्सर की रिक्वायरमेंट होगी। एक अगर फाइल में हैंड टू हैंड अपडेट करते ही आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें नोडबॉन को इंस्टॉल करना होता है। तो आप नोडबॉन को भी इंस्टॉल कर लें। नोडबॉन के इंस्टॉल होने के बाद अब आप यहाँ लिख सकते हैं npm इंस्टॉल MySQL -safe। MySQL से रिलेटेड ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ये जितने भी पैकेजेस डाउनलोड होंगे वो आपके इंटरनेट से डाउनलोड होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी ये पैकेज आपके इंस्टॉल हो जाते हैं, इनकी आप चेक कर सकते हैं डिपेंडेंसीज़ के अंदर जाके। तो आप ये देखें डिपेंडेंसीज़ के अंदर जो भी आपने पैकेज मिडिलवेयर को इंस्टॉल किया था, वो मिडिलवेयर्स आपके यहाँ शो हो जाते हैं। तो कोर्स, एक्सप्रेस, MySQL, नोडबॉन एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मिडिलवेयर का सेटअप, जो नोड इनिशियलाइजेशन हो चुका है, मिडिलवेयर का अब हमें सेटअप करना है, यानी मिडिलवेयर का रेफरेंस लिया अभी तक, अब हमें इसका सेटअप भी करना होगा। तो सेटअप हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप यहाँ देखें मेन के अंदर index.js फाइल है, यानी कि ये फाइल आपकी सबसे स्टार्टिंग फाइल होगी। तो आप क्या करें, यहाँ पर index.js को क्रिएट कर लें, ठीक है। अब यहाँ आपके जो मिडिलवेयर के रेफरेंसेज हैं वो आपको यहाँ ऐड करने होंगे, ठीक है। अब कंप्लीट वर्क हमारा यहाँ रहेगा, तो इस विंडो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने मिडिलवेयर का सेटअप करें। समय को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें ये आपने मिडिलवेयर का ऐड कर दिया रेफरेंसेज। लाइक सबसे पहले आप एक्सप्रेस का रेफरेंस ले रहे हैं, देन एक्सप्रेस से ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं ऐप, तो ऐप ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप फर्दर जितने भी आपके मिडिलवेयर्स हैं आप उनका सेटअप कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, app.use body parser.json, यानी कि जो डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में, वो आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा। कोर्स को इनेबल कर दिया कि आप अगर क्रॉस डोमेन अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर कभी भी डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या गेट नहीं किया जा सकता जब तक आपने कोर्स को इनेबल नहीं किया हो। तो ये आपको कोर्स को इनेबल करने के लिए, देन बॉडी पार्सर ये होता है कि जो आपका डेटा बॉडी के थ्रू आ रहा है,
यानी एचटीएमएल बॉडी से जो डेटा आ रहा है उसे रिट्रीव करने के लिए हमें इस पर्टिकुलर मिडिलवेयर को भी यहाँ सेटअप को करना होगा। इसके अलावा आप यहाँ देखें MySQL का रेफरेंस ले लिया आपने, कोर्स का रेफरेंस ले लिया, एक्सप्रेस का रेफरेंस ले लिया एंड दैट्स इट। इसके अलावा अब यहाँ पर हमारा ये सेटअप हो चुका है, ठीक है, मिडिलवेयर जो सेटअप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन रनिंग पोर्ट का सेटअप करना है, यानी कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है API है वो किस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन होगी, तो वो उसका सेटअप हमें और करना होगा। तो इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर ये कोड मैं ऐड कर देता हूँ। तो नोड ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000, ये आपका पोर्ट पे यहाँ कन्फिगर हो जाएगा। अब अगर आप इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करें, व्यू पर जाएं, टर्मिनल को ओपन कीजिए। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं नोड इंडेक्स डॉट जी एस। तो ये क्या करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं नोड ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन 3000 पे रन होगी। तो आपका जो सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर जस्ट चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से ओपन करता हूँ। तो ऐप डॉट गेट, ये गेट ये आपकी HTTP वर्ब होती है, तो या एक्सप्रेस के थ्रू आप गेट मेथड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले पाथ को डिफाइन करना है। तो यूज़र अगर यहाँ लिखता है www.domain.com तो ये आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डेटा, अगर इस तरीके से लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेटा से डेटा को इस तरीके से रिट्रीव करेगा। बट एज ऑफ नाउ आई डू नॉट रिक्वायर दैट, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। और ये टेस्टिंग करने के लिए मैं अब यहाँ पर जो चीज़ यूज़ में लेने जा रहा हूँ दैट इज़ नोडमॉन, और नोडमॉन और पोस्टमैन का यूज़ करके आप अपनी API की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने टर्मिनल को ओपन कीजिए, टर्मिनल पे जाके चेक कीजिए कि आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में है या नहीं है। तो आपने कंट्रोल एस किया और यहाँ पर जाके ये पोस्टमैन है, इसमें आप अपना URL लिखिए, लोकल होस्ट कॉलन 3000, ठीक है, 3000 ये लिखा आपने। देन आप अच्छा HTTP और ज़रूर लगाएं, HTTP:// सेंड के ऊपर क्लिक करें तो कैन नॉट गेट, यहाँ मैसेज आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो चेंजेस किए हैं ये आपके रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। तो Ctrl+C प्रेस करिए और नोड इंडेक्स JS आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, दोबारा से रन कराइए इसको, फिर दोबारा से टेस्ट कीजिए। तो आप देखें आपको यहाँ मैसेज मिल गया। तो ये जो मैसेज मिला आपको वो JSON फॉर्मेट के अंदर मिला है, तो एरर ट्रू और मैसेज हेलो, ये मैसेज यानी कि API आपकी यहाँ सक्सेसफुली कन्फिगर हो चुकी है। तो API कन्फिगर होने के लिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे बार बार से अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करके पहले चेंजेस कर रहा हूँ, देन स्टॉप कर रहा हूँ और फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसे नोडमॉन के थ्रू रन कराएं, यानी कि आप लिखें नोडमॉन index.js। तो ये चीज़ आपको बार बार से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये नोडमॉन क्या है, आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता है जैसे ही आप कुछ भी चेंजेस करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अभी आप रन कराएंगे तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो हेलो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप कुछ फर्दर चेंजेस करता हूँ, हेलो दिस इज़ योगेश, ये आपने कंट्रोल एस किया तो आप देखें ये जैसे ही एस किया तो यहाँ पर ये रन हो गया, और सेंड करेंगे तो आप देखें ये आपको रिफ्लेक्शन यहाँ मिल गया। तो आपको रीस्टार्ट करने की बार बार से रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर आप नोडमॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक जनरल आपने यहाँ पर क्वेरी लिखी जिसमें आप एक डेटा को जस्ट चेक कर रहे हो। अब करना क्या है, मुझे यहाँ कोड करना है डेटा को रिट्रीव करने का। तो डेटा मैं डेटाबेस से रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अब यहाँ इसकी जो गेट API यहाँ क्रिएट करूँ। तो इस कोड को भी मैंने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से इस तरीके से लिख देता हूँ। यानी कि ऐप डॉट गेट के अंदर आपने यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र को लिखना पड़ेगा domain name/information। देन यहाँ से कॉलबैक फंक्शन अप्लाई होगा, तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को यहाँ लेके जा रहा है। अब DB कनेक्शन, अब ये DB कनेक्शन क्या है, एक्चुअल में आपने डेटाबेस से कनेक्शन तो अभी तक बनाया ही नहीं, तो पहले आप डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ आपको एक कोड और अटैच करना होगा, वो कोड आपका जो है वो ये है। तो आपने क्या किया, DBCon के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन का, क्रिएट कनेक्शन मेथड को कॉल किया, लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड MTA और टेस्ट हमारा डेटाबेस है, और फाइनली इसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट मेथड को आपने यहाँ कॉल कर लिया। तो अब करना क्या है आपको कि DBCon ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट क्वेरी, क्वेरी रन करानी है आपको। देन यू आर राइटिंग सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम InfoWare। अब यहाँ से क्या है कि ये तीन चीज़ें रिटर्न करेगा, या तो एरर हो सकता है, या रिजल्ट हो सकता है, या फील्ड्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, वहाँ से जो रिकॉर्ड सेट आपके रिटर्न हुए हैं यानी कि टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं आपकी, वो यहाँ पर आपकी रिजल्ट्स के अंदर आएंगी। देन फील्ड्स के अंदर आप चाहें तो जो आपके फील्ड्स हैं आप सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फील्ड्स की वैल्यू भी रिट्रीव करना बताऊंगा। तो अगर कोई एरर आता है तो ये एरर को थ्रो करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा, एरर में फॉल्स, डेटा में रिजल्ट्स जो वहाँ से डेटा आ रहा है, देन मैसेज में कंप्लीट डेटा। सेव कर लीजिए। अब आप इसे रन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे इन्फॉर्मेशन
ये इन्फॉर्मेशन यूआरएल अपडेट कर दिया आपने, देन सेंड मेथड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेटा के अंदर आपको टेबल के अंदर जो डेटा है वो कंप्लीट आपको मिल गया 1, 3 और 4 आईडी पर। और यहाँ पर आप देखें एरर के इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एरर कोई भी एरर नहीं है और मैसेज के अंदर कंप्लीट डेटा आ रहा है। तो ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जेसन के अंदर, तो यहाँ इस तरीके से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब बात आती है आपको डेटा को पोस्ट करना हो या फिर आईडी के करस्पोंडेंस में आपको डेटा को रिट्रीव करना हो, तो आईडी के करस्पोंडेंस में आप किस तरीके से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने कोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस कोड को टाइम बचाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐप डॉट गेट माई डेटा, ये आपका पैरामीटर आपने पास कर दिया कॉलन आईडी। यहाँ कॉलन आईडी रिप्रेजेंट करने का रीज़न ये है आईडी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ प्लेस होल्डर। फिर फंक्शन रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बनाया आपने, रिक्वेस्ट में आपने परम्स, ये परम्स होता है यानी कि पैरामीटर जो आपके क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स होते हैं उनको गेट करने के लिए वी नीड रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, या आईडी के अंदर पास किया। अगर आईडी की वैल्यू नहीं होती है तो मैं उसे मैसेज दूंगा प्लीज़ प्रोवाइड आईडी, अदरवाइज क्या करूंगा मैं यहाँ एक नई क्वेरी रन कराऊंगा सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम इनफो वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क है ये भी एक टाइप का प्लेस होल्डर है, इसके बाद कॉमा में आपने सिंगल वैल्यू को यहाँ पास कर दिया। अगर मल्टीपल वैल्यू पास करनी होते हैं तो हम एरे के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंसर्ट अपडेट क्वेरी के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज भी पास करूंगा। तो ये फंक्शन हो गया, देन एरर हो गया, रिजल्ट हो गया, फील्ड्स हो गया, इन एरर्स की वैल्यूज आप यहाँ देख सकते हैं, रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं। अब इसमें रेस्पॉन्स में रिजल्ट जीरो लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा और जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपका एक एरे है और उस एरे में से आपको जीरो इंडेक्स यानी कि एक ही सिंगल रिकॉर्ड को फैच करके लाना है। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ सेट हो गई। तो ये मुझे माई डेटा को रिट्रीव करना होगा, तो इसे मैं कैसे रिट्रीव कर सकता हूँ आपको यहाँ लिखना होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं माई डेटा और पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ परम्स में आप वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आईडी फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया 3, तो 3 के करस्पोंडेंस में आप यहाँ देख सकते हैं यही रिकॉर्ड है हमारा। अगर मैं इसे सेंड करूँगा तो आपको यही रिकॉर्ड मिलना चाहिए, इट्स नॉट रिटर्निंग। आईडी के करस्पोंडेंस में आपको ये डेटा नहीं मिल रहा है, जस्ट ए मिनट, आप यहाँ पर इसे इस तरीके से पास कीजिए देन यू आर गेटिंग डेटा। क्योंकि आपने यहाँ चीज़ जो डिफाइन की है वो माई डेटा स्लैश और आईडी इस तरीके से सेंड की हुई है, ये क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा नहीं ले रहा है, डायरेक्टली परम से ले रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक आईडी के करस्पोंडेंस में डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, तो पोस्ट करने के लिए लॉजिक हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। आप ये कोड देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जो पोस्ट के लिए अपना यूआरएल होगा वो होगा एड यूज़र और फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपने यहाँ सेट कर दिया। अब देखिए आपको जो डेटा भेजना है वो बॉडी के थ्रू भेजना है, एचटीएमएल बॉडी के थ्रू भेजना है, तो उन बॉडी की वैल्यूज़ को स्पेसिफिक वैल्यूज़ को गेट करने के लिए आपको यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एफ नेम यानी कि बॉडी के जो एलिमेंट्स होंगे या पैरामीटर्स होंगे वो भी आपके नेम और एफ नेम ही होने चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन मैं यहाँ पर नेम और एफ नेम को ले रहा हूँ और दो वेरिएबल के अंदर पास कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग पे मैंने इसलिए प्रिंट कराया है जिससे मुझे टेस्टिंग हो जाए कि हाँ मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और नेम और एफ नेम की वैल्यू प्रॉपरली आ रही है, अदरवाइज़ ये आपको लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलिए वो नेम और एफ नेम की वैल्यू नहीं पास करता है तो एंड कंडीशन में आपने ये चेक कर लिया और आप यहाँ स्टेटस सेट करें उसे 400 जो बैड रिक्वेस्ट के स्टेटस के अंदर आएगा, देन कुछ इन्फॉर्मेशन और जाएगी प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये चलिए हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए टर्मिनल पे मैंने यहाँ कंसोल पे नेम और एफ नेम को प्रिंट भी कराया हुआ है, तो आप एक बार अपने टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। तो ये टर्मिनल आपका ओपन है। अब टर्मिनल के ओपन होने के बाद अब आप इसे रन कराएं तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड यूज़र और ये जो पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट है वो पोस्ट टाइप की होगी। अब मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, देन वी आर गेटिंग दिस मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू बी ऐड, और क्योंकि और यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है, वो क्यों आ रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग के अंदर बॉडी में नेम और एफ नेम की वैल्यू पास नहीं हुई है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ बॉडी के अंदर ये बॉडी में जाइए आप और बॉडी के अंदर आपको पैरामीटर पास करने होंगे। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्स डब्ल्यू यूआरएल एनकोडेड इसका यूज़ कीजिए। आप यहाँ पास करें सबसे पहले नेम, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी लाइक गणेशा 1, 2, 3 और इसके बाद एफ नेम आप वैल्यू सेट कर दीजिए और यहाँ मैं लिख देता हूँ शिवा 1, 2, 3। ये आपने वैल्यू सेट की, देन आप सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फील्ड काउंट 0 है, अफेक्टेड रोज 1 है, इंसर्ट आईडी 5 है, सर्वर स्टेटस 2 है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है यानी कि आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस टेबल के अंदर जाकर।
तो आप देखें ये रिकॉर्ड आपका यहाँ इंसर्ट हो गया, और रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद आपको टर्मिनल पे भी ये गणेशा और शिवा 1 2 3 जो वैल्यूज़ आपने वहाँ से पास की थी तो वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम है ये एक्चुअल में आपके ये दो पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस तरीके से आपका डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये आपका इंसर्ट क्वेरी। अच्छा, इंसर्ट क्वेरी के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इंसर्ट इनटू इन्फो नेम और एफ नेम, जो हमारी नॉर्मल क्वेरी होती है, वैल्यूज़ के अंदर मैंने यहाँ दो क्वेश्चन मार्क पास किए हुए हैं क्योंकि मैं नेम और एफ नेम दोनों के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब दो पैरामीटर आपको भेजने हो तो आप क्या करें, एक एरे के अंदर उसे डिफाइन करके भेजें। तो पहला पैरामीटर नेम जो होगा वो इस पर्टिकुलर स्पेस पे जाएगा, एफ नेम होगा वो इस पर जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है सीक्वेंस को भी बताते हैं, तो नेम और एफ नेम की वैल्यू आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, और फाइनली जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद आपको यहाँ मिलता है। तो ये आपका इंसर्ट के लिए हो गया। अब मुझे यहाँ पुट और डिलीट के लिए भी करना है। पुट होता है अपडेट करने के लिए, डिलीट होता है रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। तो कंट्रोल एस कीजिए, कंट्रोल एस करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट का कोड करेंगे। इस कोड को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पर जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो मैं गेट करूँगा टिल्ड अपडेट से। अपडेट के बाद यहाँ मैं तीनों पैरामीटर की वैल्यू गेट करूँगा जैसे मैंने इंसर्ट के अंदर गेट की थी। तो आईडी, नेम और एफ नेम की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी, और अगर इन तीनों में से कुछ भी एम्प्टी होता है तो एरर मैसेज सेंड करना है। अदरवाइज मैं यहाँ डीबी क्वेरी के अंदर अपनी अपडेट क्वेरी लिखता हूँ। तो अपडेट इन्फो सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड आईडी क्वेश्चन मार्क, ये आपने लिखा। दैन इसी के सीक्वेंस में आपने एरे के अंदर इन तीनों पैरामीटर्स को यहाँ पास कर दिया। तो ये पास करेंगे, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, दैन आप इसे देख भी सकते हैं। तो अब एक बार मैं इसे टेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है अपडेट, रिक्वेस्ट में मुझे चेंज करके लिखना है पुट। पुट के बाद यहाँ मुझे एक पैरामीटर और पास करना है, दैट इज़ 5। तो मैंने गणेशा 1 2 3 5 पर ऐड किया था जो अभी आपने देखा था। मैं यहाँ से गणेशा और इसे शिवा सेट करके और 5 पे अपडेट कर देता हूँ। तो ये मैं सेंड करूँगा, तो आप देखें रो अफेक्टेड हो चुकी है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे या ब्राउज़ करेंगे, देन आप देखेंगे कि ये डेटा आपका यहाँ अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट हो गया। तो इसके बाद आपको डिलीट के लिए क्वेरी लिखनी है, तो आप बिल्कुल डिलीट के लिए भी क्वेरी लिख सकते हैं। डिलीट के लिए भी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ डिलीट के लिए मैंने ऐप डॉट डिलीट मेथड का यूज़ किया है। ऐप डॉट डिलीट यूज़र देन फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, यहाँ आईडी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा डिलीट करने वाला हूँ। बाकी सब कुछ कोड एज इट इज सेम है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ डिलीट क्वेरी को ही चेंज करना है, डिलीट फ्रॉम इन्फो वेयर आईडी इक्वल्स टू ये। और ये पर्टिकुलर जो कोड है ये कोड मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इस कोड को देख सकते हैं। तो ये मेरा डिलीट के लिए भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब आईडी के करस्पॉन्डेंस में मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से वर्ब चूज़ करेंगे डिलीट, और अपडेट की बजाय आप यहाँ से लिखेंगे जो आपने पर्टिकुलर यहाँ वर्ब यूज़ में ली हुई है, मेथड यूज़ में लिया हुआ है। तो डिलीट यूज़र आपने लिखा और आईडी की वैल्यू मुझे सिर्फ पास करनी है। तो आईडी 5 के करस्पॉन्डेंस में मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर अफेक्टेड रो 1 हो चुका है। अगर आप अपने डेटाबेस की टेबल में जाके देखेंगे तो ये 5 नंबर का रिकॉर्ड आपका यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपकी REST API वर्क करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।